एक स्पेनिश थ्रिलर मूवी है। मूवी में दिखाया जाता है एना नाम की एक्ट्रेस मर जाती है और उसकी डेड बॉडी को एक हॉस्पिटल में लाया जाता है। अब उस हॉस्पिटल का वर्कर पाओ अपने दो दोस्तों के साथ एना की डेड बॉडी के साथ रेप करने लगता है, तभी बीच में एना जिंदा हो जाती है। अब आगे क्या होगा यही हम इस मूवी में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में ही एना की डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लाया जाता है और हमें बैकग्राउंड में एना की स्टोरी को बताया जाता है। एना बहुत फेमस एक्ट्रेस होती है, उसके पास किसी चीजों की कमी नहीं थी। एक दिन एना प्राइवेट पार्टी में बाथरूम के अंदर मरी हुई मिलती है। उसके बॉडी पर किसी भी चोट के कोई निशान नहीं होते है, इसलिए उसके डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लाया जाता है ताकि उसके मरने की वजह पोस्टमार्टम के जरिए पता चले। एना की डेड बॉडी किस हॉस्पिटल में है ये बात सीक्रेट रखी जाती है ताकि हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ ना हो। अब उस हॉस्पिटल का वर्कर पाओ एना की फोटो निकालकर वो अपने दोस्त इवान को भेजता है। थोड़ी देर बाद इवान अपने दोस्त जावी के साथ वापस आता है। पहले तो इवान पाओ को बाहर पार्टी में चलने के लिए बुलाता है, लेकिन पाओ की शिफ्ट खत्म होने में अभी टाइम था, इसलिए वो कहीं पे भी नहीं चल सकता। फिर वो तीनों हॉस्पिटल के बाहर जाकर शराब पीते है और ड्रग्स भी लेते हैं। वहां पे वो दोनों गेस करते हैं कि पाओ ने एना की नंगी फोटो निकाली होगी अपने पास रखने के लिए। तो पाओ उन्हें हाँ बोलता है। इवान को भी एना को नंगा देखना था, तो पाओ उन्हें हॉस्पिटल के बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। रात का टाइम था इसलिए अभी वहाँ पे कोई नहीं होता और एना की पोस्टमार्टम अगले दिन होने वाली थी। वहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडीज होती है। पाओ उन्हें एना की डेड बॉडी दिखाता है। एना को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो मर चुकी है। इवान को एना को देखकर उसका रेप करने का मन करता है। वो इस बारे में पाओ से पूछता है। पाओ का कहना था कि उसने पहले भी एक डेड बॉडी के साथ रेप किया था और किसी को भी पता नहीं चला था। ये सुनकर इवान तैयार हो जाता है। जावी उसे मना करने लगता है, लेकिन इवान उसकी बात नहीं सुनता। पाओ और जावी रेस्ट रूम में जाते हैं और बाहर इवान एना का रेप करता है। उसका होने के बाद पाओ भी एना का रेप करने लगता है, लेकिन तभी बीच में एना जिंदा हो जाती है और वो अपनी आंखें खोलती है। पाओ उसे देखकर चिल्लाता है और बाहर इवान और जावी आ जाते हैं। उनको भी एना को जिंदा देखकर शॉक लगता है। जावी का कहना था कि उन्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। वो एना को पीने के लिए पानी और पहनने के लिए हॉस्पिटल के कपड़े भी देता है। एना ने पाओ को उसका रेप करते हुए देख लिया था, इसलिए पाओ बहुत घबरा गया था और इवान को क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा था। एना जिंदा तो हो गई थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी और अपने हाथों और पैर भी हिला नहीं पा रही थी, मतलब वो पैरालाइज हो गई थी। इवान जावी से कुछ बातें करने के लिए बुलाने लगता है, तभी बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। वो एना के ऊपर चादर डालकर वहीं पे छुप जाता है। वहां पे हॉस्पिटल का एक और वर्कर एक डेड बॉडी ले आता है। एना बहुत कोशिश करके थोड़ी बहुत आवाज करती है, लेकिन उस वर्कर ने हेडफोन लगाए थे इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता और वो वहां से चला जाता है। इवान फिर से जावी को बात करने बुलाता है। अब उन तीनों में डिस्कशन होने लगता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इवान और पाओ ने एना का रेप किया था और एना ने पाओ को देख भी लिया था। अगर वो यहाँ से बाहर गई तो वो सभी को उनके क्राइम के बारे में बताएगी, इसलिए इवान का आइडिया होता है कि एना को यहीं पे मारने का। अगर उसे मारा तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि एना पहले ही मर चुकी है और सिर्फ उन तीनों को ही पता है कि एना फिर से जिंदा हुई है। मतलब उसको मारने से उनका क्राइम किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जावी तैयार नहीं होता, उसे लगता है कि एना रेप के बारे में किसी को नहीं बताएगी। इवान को लगता है कि जावी ने एना के साथ कुछ नहीं किया, इसलिए वो उसे बचाना चाहता है। जावी गुस्से में वहां से बाहर आता है। वो एना को ऊपर हॉस्पिटल में ले जाना चाहता है, लेकिन इवान उसे जाने नहीं देता। एना समझ जाती है कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं और जावी उसे बचाना। जावी वहां का डोर ओपन करने लगता है, लेकिन वो लॉक होता है। पाओ समझ जाता है कि पहले वाला वर्कर डोर लॉक करके चला गया। जावी चिल्ला कर किसी को डोर ओपन करने के लिए बुलाने लगता है। ये देखकर इवान और जावी के बीच में झगड़ा होता है। इवान जावी को बहुत मारता है, पाओ उसे रोकता है और वो दोनों रियलाइज करते हैं कि जावी हिल नहीं रहा था। इवान के मारने की वजह से जावी के सर से खून निकल रहा था। इवान उसे सॉरी बोलता है।
जावी को ऊपर हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत थी। इवान का कहना था कि उन्हें पहले जावी और इवान को छुपाना होगा, फिर वो किसी को डोर ओपन करने के लिए बुला सकता है। फिर डोर ओपन होने के बाद वो लोग जावी को हॉस्पिटल में ले जाएंगे ताकि उन दोनों के क्राइम के बारे में किसी को पता ना चले। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। जावी और एना को वो लोग वॉशरूम में छुपाते हैं। फिर वो दोनों बाहर आकर जावी के खून को साफ करते हैं। अंदर जावी एना को बोलता है कि वो बाहर जाने के बाद उसकी हेल्प करने के लिए जरूर किसी को भेजेगा। उनकी क्लीनिंग होने के बाद हॉस्पिटल का एक वर्कर डोर ओपन करने के लिए आता है। अंदर एना चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन इवान उसका मुंह पकड़ के रखता है। बाहर पाओ उस वर्कर को जल्दी से बाहर भेज देता है। अंदर जावी हिल नहीं रहा था, मतलब वो मर चुका है। पाओ को भी ये बात पता चलती है तो वो पहले बहुत रोने लगता है क्योंकि उन्होंने अब एक मर्डर किया है और उन्हें जेल होने वाली है। इवान को जेल नहीं जाना था। अब उसका प्लान होता है कि जावी को बाहर ले जाकर कहीं पे फेंक देने का। एना उनसे कहती है कि वो रेप और मर्डर के बारे में किसी को नहीं बताएगी, सिर्फ उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन इवान उस पर ट्रस्ट नहीं करता। वो बाहर आकर पाओ को भी यही बताने लगता है कि एना के किसी भी बात पर भरोसा मत करो, वो हम दोनों को अंदर जेल में डालेगी। अंदर एना बहुत कोशिश करके जावी के पास आती है। वो अभी सिर्फ अपने हाथ हिला पा रही थी। वो जावी के फोन से किसी को कॉल करती है, तभी अंदर इवान और पाओ आ जाते हैं। वो मोबाइल से समझ जाते हैं कि एना ने किसी को कॉल किया था। एना उन्हें बताती है कि उसके फादर उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं और वो उन्हें रेप और मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। अब उन दोनों के पास एना को जाने देने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। वो लोग एना को ऊपर ले जाने लगते हैं। तभी जावी के फोन पे किसी का कॉल आता है। इवान को फोन से पता चलता है कि एना ने किसी को कॉल तो किया था लेकिन किसी ने उसका फोन नहीं उठाया था। वो दोनों समझ जाते हैं कि एना ने उनको फंसाया था, उसे हॉस्पिटल में बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। वो एना को वापस पोस्टमार्टम रूम में ले जाते हैं। अब उनका प्लान पहले वाला ही है, मतलब जावी के बॉडी को फेंक देना और एना को मार डालना। इवान ऊपर जावी के बॉडी को रखने के लिए कंटेनर को ढूंढने के लिए जाता है। जाते हुए वो पाऊ से एना को बांध के रखने के लिए बोलता है। फिर उसके जाने के बाद पाऊ एना को बांधने लगता है। एना पाऊ को इवान के खिलाफ भड़काने लगती है, ये बोल के कि इवान ने ही जावी को मारा है, अगर तुम उसका साथ दोगे तो तुम भी जेल जाओगे। एना ये भी बोलती है कि जब पाऊ बाहर था तब इवान ने ही जावी का मुंह दबाकर उसे जानबूझकर मार डाला था, लेकिन पाऊ उसकी बात नहीं सुनता। वो जानता है कि एना झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर इवान को कंटेनर मिल जाता है, लेकिन तभी हॉस्पिटल के बाहर कुछ नर्सेस आती है तो इवान को वहीं पे छुपना पड़ता है क्योंकि उनके सामने वो कंटेनर को अंदर नहीं ले जा सकता। पोस्टमार्टम रूम में पाऊ ने एना को बांध के रखा होता है और वो वॉशरूम में जावी के खून को साफ करने लगता है। बाहर एना अपने पैरों को छुड़ाकर वहां से रेंगते हुए बाहर चली जाती है। हॉस्पिटल के बाहर के नर्सेस चले जाने के बाद इवान कंटेनर लेके आने लगता है। आते ही वो एना को वहां पे मिसिंग पाता है। फिर वो दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। एना वहीं पे दूसरे रूम में छुपी होती है। वो अभी भी अपने पैरों को यूज नहीं कर पा रही थी। एना उनसे बच के कैसे भी करके लिफ्ट तक पहुंच जाती है। लिफ्ट का डोर बंद ही होने वाला था तभी वहां पे इवान आता है और वो घसीटते हुए उसे ले जाता है। अब उन दोनों को एना को मारना होगा। यहाँ पे पाओ ये बोल के कंफ्रंट करता है कि क्या तुमने सच में जावी का मुंह दबा कर उसे मार डाला था। इवान उसे फिर से यही कहता है कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ करके यहाँ से भागना चाहती है, उसके कोई भी बात मत सुनो। उन्हें एना को किसी ऐसी चीज से मारना होगा जिसके कोई भी निशान ना रहे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एना के बॉडी पर किसी भी चीज के मारने के निशान नहीं थे। अगर उन्हें एना को मारना होगा तो उन्हें भी यही करना होगा। फिर इवान एक बेडशीट ले आता है और वो दोनों उसी से एना को मार डालते हैं। फिर वो जावी के बॉडी को कंटेनर में डालते हैं। इवान जावी के बॉडी को ठिकाने लगाने वाला था। वो जाते हुए पाऊ से कहता है कि वो उनके क्राइम के कोई भी सबूत न छोड़े। इवान जाने के बाद पाऊ एना की बॉडी को क्लीन करने लगता है और बाहर इवान जावी के बॉडी को डालकर वापस हॉस्पिटल में आने लगता है। दूसरी तरफ पाऊ सब कुछ पहले जैसा कर देता है। वो वहां से जाने ही वाला था तभी उसे एना की खांसने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि जब वो लोग एना को मार रहे थे तब एना मरी नहीं थी।
वो सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रही थी। वो एना के पास जाकर इसी तरह एक्टिंग करने के लिए बोलता है। ये सुनकर एना भी अपनी आंखें खोलती है। तभी वहाँ पे इवान आता है। वो पहले सब कुछ चेक करता है कि उन्होंने कोई सबूत छोड़ा है या नहीं, ये देखने के लिए। वो एना को भी देखता है लेकिन उसे भी पता नहीं चलता कि वो जिंदा है या मर चुकी है। फिर वो लाइट बंद करके वहां से चले जाने लगते है। लिफ्ट के पास पहुँचते ही इवान को याद आता है कि उसने अपना कार्ड अंदर ही भूल गया है। ये वही कार्ड होता है जिसमें वो अपने ड्रग्स रखता है। अंदर उन्होंने ड्रग्स लेने के बाद वो वहीं पे भूल गया था। इवान वापस जाने लगता है। पाव उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इवान नहीं रुकता। अंदर आते ही वो एना को जिंदा देखता है। ये देखकर वो पाव पर गुस्सा होता है। उसे लगता है कि पाव एना को छोड़कर जावी के मर्डर में उसे फंसाना चाहता है, लेकिन वो भी तैयार हो जाता है एना को छोड़ने के लिए। तभी पीछे से एना आ जाती है और वो कैची से इवान पर अटैक करके उसे मार डालती है और इवान का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। पाव एना से रोते हुए कहता है कि वो भी तुम्हें छोड़ रहा था। तभी एना उस पर भी अटैक करके उसे मार डालती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी की एंडिंग हमें ठीक से समझ में नहीं आती तो मैं आपको फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे कि पूरी मूवी में एना कितनी बार मरी थी, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में जब एना को हॉस्पिटल में लाया गया था तभी वो मर गई थी, लेकिन रेप के दौरान वो फिर से जिंदा हो गई। अब मरा हुआ शख्स फिर से कैसे जिंदा हुआ इसके बारे में हमें मूवी में कहीं पे भी नहीं बताया गया और ना ही मुझे इंटरनेट पे इससे रिलेटेड कोई थ्योरी मिली। सिर्फ समझ जाओ कि हो गई वो जिंदा, कैसे भी करके हो गई। फिर जब वो लोग बेडशीट से एना को फिर से मारने की कोशिश कर रहे थे तब एना मरने की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एना एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो उसके लिए मरने की एक्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है कि पाव को जब पता चला कि एना मरने की एक्टिंग कर रही है तो उसने इवान को क्यों नहीं बताया, उसने एना की हेल्प क्यों की? क्योंकि पाव स्टार्टिंग से ही एना को मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ डर गया था क्योंकि एना ने उसे रेप करते हुए देख लिया था। वो सिर्फ इवान की बातों में आकर उसका कहना मान रहा था, इसलिए वो एना के बारे में इवान को नहीं पता था। फिर थर्ड क्वेश्चन निकल के आता है। एंड में हमने देखा कि पाव और इवान एना को छोड़ रहे थे लेकिन फिर भी एना ने उनको मार डाला। अगर हम एना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। पहले तो उन दोनों ने एना का रेप किया, फिर उनकी वजह से जावी मारा गया। वो तो एना को बचाना चाहता था इसलिए एना गुस्से में आ गई थी। फिर वो दोनों फिर से उसे मारने की कोशिश करते हैं। एना के पास इतने रीजन काफी थे पाव और इवान को मारने के लिए। आई होप पूरी मूवी आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो आज के लिए इतना ही।